आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्तिक मास के समाप्ति पर, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिव की नगरी सिवनी सहित अनेक जगहों पर दीपदान का आयोजन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल जो आप ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये नज़ारा शिव की नगरी सिवनी, सिवनी में बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल है और बैनगंगा नदी पुण्य सलिला कहलाती है। बैनगंगा नदी का ये लखनवाड़ा तट आपको दिखाई दे रहा होगा। सिवनी शहर से मात्र 6 से 7 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा मार्ग पर स्थित लखनवाड़ा ग्राम, लखनवाड़ा ग्राम का ये लखनवाड़ा तट, और यहाँ आप देख रहे होंगे दीपदान बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपदान का आयोजन किया गया। वैसे पूरे कार्तिक मास में सुबह और शाम माता बैनगंगा की आरती और दीपदान यहाँ पर संचालित होता रहा है। आचार्यों के द्वारा यहाँ पर दीपदान का आयोजन कराया गया। लखनवाड़ा घाट वैसे भी बहुत अपने आप में बहुत सारी खूबियों के साथ यहाँ पर स्थित है। लखनवाड़ा घाट देख रहे होंगे आप किस कदर यहाँ श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे होंगे, श्रद्धालुओं की भीड़, और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच में दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुण्य सलिला बैनगंगा में दीप प्रवाहित कर रहे हैं। आरती करने के साथ यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा पूरे श्रद्धा भाव, परंपरागत उत्साह, उल्लास, उमंग के साथ, धार्मिक भाव के साथ देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलन कर दीप की आरती, और आरती के बाद दीप को पुण्य सलिला में प्रवाहित किया जा रहा है। घर से लोग आटे के दीपक बना के लाते हैं और इन आटे के दीपक को किसी कागज के उस वस्तु पर रखकर, और यहाँ इनका पुण्य सलिला बैनगंगा में इन्हें प्रवाहित किया जाता है। मान्यता है कि इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान या कार्तिक मास में दीपदान करने से आपकी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। आपको जितने भी आपकी अभिलाषाएं हैं उन अभिलाषाओं को पूरा करने में मदद मिलती है। देवी देवता इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही वे आपको बहुत आशीष देते हैं। पुण्य सलिला बैनगंगा का लखनवाड़ा घाट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इसके साथ ही ये बाल स्वरूप हनुमान मंदिर में भी यहाँ पर पूजन पाठ किया गया। ये हम आपको दिखा रहे हैं पूजन पाठ यहाँ पर बाल स्वरूप हनुमान मंदिर में महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। आटे के दीपक बनाकर उन्हें जल में प्रवाहित करने का एक लाभ ये भी होता है कि जब वे दीपक से लौ बुझ जाती है या पूरा घी जल जाता है, तेल जल जाता है, उसके उपरांत वो आटा मछलियों के लिए चारे का काम करता है। मछलियाँ उसका पेट उससे भरता है, मछलियाँ उसे खाती हैं। कार्तिक मास की महिमा के बारे में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के धर्म प्रभाग में पृथक से सारी जानकारियाँ दी गई। बाल स्वरूप हनुमान मंदिर में ये हम आपको बाल स्वरूप हनुमान मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं। बाल स्वरूप हनुमान मंदिर में यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा पूजन पाठ किया जा रहा है। इसके पहले हमने आपको पुण्य सलिला बैनगंगा का नज़ारा दिखाया। बैनगंगा में पुण्य सलिला बैनगंगा माता के तट पर दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, वैसे दीपदान लगातार पूरे एक माह तक चला। पूरे कार्तिक माह में सुबह और शाम दोनों समय दीपदान वहां पर किए गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में श्रद्धालुओं के लिए धर्म प्रभाग का पृथक से धर्म प्रभाग आरंभ कराया गया है, जिसमें धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, लोकोक्तियों के आधार पर जो भी जानकारियाँ संग्रहित की जाती हैं उन जानकारियों को आप तक लाने का प्रयास किया जाता है। कितने सुंदर दिख रहे हैं दीप प्रज्वलित होते हुए यहाँ पर
थालियों में दीप रखे हुए हैं और इन दीपों को के साथ पूजन पाठ और उसके बाद इनका विसर्जन भी किया जाएगा। समाचार एजेंसी इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कतारबद्ध महिलाएं बैठी हुई आपको दिख रही होंगी शहर के देवालयों में। इस तरीके के दृश्य कार्तिक मास में बहुत अधिक दिखाई दे जाते थे। वैसे भी शिव की नगरी कहलाती है सिवनी, और सिवनी में धर्म भाव, धार्मिक सद्भाव, सर्वधर्म संभाव, ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। हर धर्म, हर वर्ग, हर पंथ को मानने वाले लोगों का आपस में समन्वय, आपस में प्रेम और एक दूसरे का सम्मान स्पष्ट तौर पर एक दूसरे का दिखाई देता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इसके पहले